हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है क्या, या इलेक्ट्रिसिटी जिस वर्ड से मिली है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए, हमारे घर में जो वायर है वो कॉपर की वायर है मेनली। और कॉपर क्या होगा? कॉपर होगा मेटल। अच्छा, मेटल के अंदर केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि मेटल जो है वो कॉपर के एलिमेंट से मिलकर बना है। इट मींस इसमें क्या होंगे, हमारे पास एटम्स होंगे कॉपर के। तो कॉपर के एटम में न्यूक्लियस और फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, हर के पास यही है ये चीज। क्लियर? तो करंट, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चलता कैसे है, इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको। आपके पास एक बस है, इस बस में फ्रंट गेट है और लास्ट गेट। फ्रंट गेट से लेकर लास्ट गेट तक खचाखच लोग एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े हुए हैं। अब जैसे ही लास्ट गेट से कोई एक पर्सन अंदर जाएगा तो फ्रंट गेट से एक व्यक्ति बाहर आ जाएगा, एक पर्सन बाहर आ जाएगा। तो सेम इसी पैटर्न पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जैसे ही आप यहां से की ऑन करते हो, यानी जो बटन ऑन करते हो, तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है इसमें। अब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा और आगे मूव करने लगेगा। ये आगे वाले को फ्री कर देगा, ये आगे वाले को, इस तरह ये चलता रहता है। और यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपके अप्लायंस में, ये मैं बल्ब बना रहा हूं, इस बल्ब के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इतनी फास्ट होती है ये रिएक्शन, या ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। जैसे ही आपने बटन ऑन किया, यहाँ से बटन ऑन किया, वैसे ही बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू हो गया, या फैन है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन एक फ्लो नहीं कर रहा, बहुत सारे फ्लो कर रहे हैं। ये तो मैंने डायग्राम में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ दिखाया कि ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, इस तरीके से। तो व्हेन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि n इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं। ठीक है, एंड द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज चार्ज, चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय q व्हिच इज इक्वल टू ne, यानी कि ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I, कैपिटल I, एंड इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हो आप इसे। इट मींस I जो है वो Q ओवर T के इक्वल होगा, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो रेट टाइम के रिस्पेक्ट निकालेंगे। Q क्या है, Q है n इलेक्ट्रॉन अपॉन में T। तो बेसिकली I किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल हो जाएगा, कितना चार्ज फ्लो होता है कितने टाइम में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा Q इज इक्वल टू है ne, यानी Q बोले तो चार्ज, और करंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट मींस Q ओवर T, इट मींस n इलेक्ट्रॉन अपॉन में T इज I। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, बात करें यूनिट की, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी आई की यूनिट क्या रहेगी। चार्ज की यूनिट बता देता हूं मैं। सबसे पहले चार्ज की बात करें, चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई, एन नंबर है। इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। तो Q की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि m इंटीजर है, e इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। तो चार्ज की यूनिट भी क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगी। तो यहां इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q ओवर T, Q की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। क्लियर, तो कूलम ओवर सेकंड, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर और कैपिटल A से। ठीक है,
कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, हमारे पास एम्पियर हो जाएगी, व्हिच इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड, व्हिच इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। अब इसमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम चार्ज। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वन कूलम चार्ज। तो आपको इलेक्ट्रॉन बताने हैं एक कूलम चार्ज में कितना होगा, q इज इक्वल टू क्या है n e, आपको गिवन क्या है, गिवन q इज इक्वल टू वन कूलम, तो q की जगह मैं वन कूलम पुट कर दूंगा, n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम, तो n कितना आ जाएगा, 1 कूलम ओवर 1.69 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम, यूनिट लेस हो जाएगा क्योंकि कूलम से कूलम कैंसिल, तो 1 अपॉन 1.6 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास, कि इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, चार्ज बनाते हैं, कितना, वन कूलम। सिमिलरली क्वेश्चन आता है चार्ज पे, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, कि क्वेश्चन में पूछ लेते हैं जैसे आपका एग्जांपल है 12.1 कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर। अब देखिए किसी भी नंबर के पीछे अगर ए लिख दिया दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और टाइम दिया है 10 मिनट, तो आपको पूछा है कि किसी बल्ब में 0.5 एम्पीयर करंट जाता है 10 मिनट के लिए तो उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या है, Q ओवर T, ठीक है, Q फाइंड करना है आपको तो Q क्या आ जाएगा, I इंटू T आ जाएगा, लेकिन यहाँ I जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है एम्पियर में, टाइम जो है वो सेकंड में नहीं है वो मिनट में है, तो आप इसमें सेकंड में कन्वर्ट कर लो मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, कितना आया 600 सेकंड, तो Q क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 600 सेकंड, सॉल्व कर लेंगे इसे 300 कूलम चार्ज फ्लो। अगर इसमें आप पूछ लें कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, आपके पास Q आ गया, Q इज इक्वल टू क्या है Ne, Q कितना आया 300 n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो यहां से n क्या देगा 300 ओवर 1.6 into 10 raised to power minus 19. तो these are the number of electron which are following in a bulb which produce 0.5 ampere electric current for 10 minutes. ठीक है? कि इतने electron मिलकर इतना current produce करने हैं किसी bulb में 10 minute के लिए. Clear यहाँ तक? अब एक और question आता है define 1 ampere. एक और question आता है define 1 ampere. कि 1 एम्पीयर क्या है, आप जानते हो I is equal to Q upon T है, तो I की वैल्यू 1 एम्पीयर कब आएगी, when Q is equal to 1 कूलम होगा और T is equal to 1 सेकंड होगा, तो मैं बोल सकता हूं when 1 कूलम चार्ज फ्लोस इन 1 सेकंड then 1 एम्पीयर करंट विल प्रोड्यूस। कि एक एम्पीयर करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब एक कूलम चार्ज फ्लो होगा एक सेकंड में, व्हेन वन कूलम चार्ज फ्लोज इन वन सेकंड देन करंट विल बी ऑफ वन एम्पीयर, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन जाएगी आपकी वन एम्पीयर की। क्लियर? अब जैसा मैंने आपको बोला कि कॉपर के वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे फ्लो करेंगे, तो क्या सिर्फ कॉपर की वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, नहीं, वहां प्रोटॉन्स भी बड़े हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वर्क डन, एंड दैट इज नोन एज पोटेंशियल। हमारी अगली टर्म पोटेंशियल, पोटेंशियल is work done on any charge, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसका मतलब है कि वो वर्क डन कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, तो किसी भी चार्ज को फ्लो होने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल, यानी कि वर्क डन ऑन एनी चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। क्लियर? ये चीज पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन ऑन एनी
चार्ज, सिमिलर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम चीज है, वर्क डन ऑन एनी चार्ज फॉर डिस्प्लेसिंग ए टू बी पॉइंट, यानी कि मान लो आपको दो पॉइंट दे दिए ए से बी तक जाने में, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आप यहां पुट कर दोगे डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू, कि चार्ज को ए से बी जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जिसे पी डी भी बोलते हैं, व्हिच इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। यहां से ये नहीं निकाल सकते आप। अब बात करें इसकी यूनिट की, यूनिट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की सेम यूनिट होगी, और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, कैपिटल वी से। वर्क यूनिट क्या है, जूल, और इसकी चार्ज की कूलाम, जूल ओवर कूलाम, व्हिच इज आल्सो नोन एज वोल्ट, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वी, क्लियर। इसको रिप्रेजेंट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट में वी से करते हैं, और इसकी यूनिट जो वोल्ट है उसको भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट आपने जनरली सुना होगा, वोल्टेज, कितनी वोल्टेज का करंट आ रहा है, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल उस करंट का कितना है हमारे पास, दैट इज पोटेंशियल या वर्क डन ऑन एनी चार्ज, क्लियर, ये चीज हमारे पास। अब इसी में अगर आपसे पूछ ले कि डिफाइन वन वोल्ट, डिफाइन वन वोल्ट, तो वन वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, वोल्टेज या पीडी इक्वल टू क्या है, वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि डब्ल्यू ओवर क्यू। तो वन वोल्ट कब आएगा, वन वोल्ट कब आएगा, जब वर्क होगा वन जूल का और चार्ज होगा वन कूलाम, तो मैं क्या लिखूंगा, व्हेन वन जूल वर्क इज डन फॉर कैरिंग वन कूलाम चार्ज, then potential difference will be 1 volt. जब 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 वोल्ट हो जाएगा, यानी when 1 जूल वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज, then potential difference or potential will be equal to 1 volt. क्लियर। अब जैसे इसी में हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, इसी में हमारे पास एक क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन टू मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज दे रखा है 2 कूलम फॉर 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वी, तो आपको फाइंड करना है वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, W ओवर Q, तो वर्क क्या आ जाएगा यहां से, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q, पोटेंशियल डिफरेंस 12, Q कितना है 224 वोल्ट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है इसके क्वेश्चंस जो हैं, बिल्कुल सिंपल, क्लियर है, यस। अब नेक्स्ट रहेगा हमारे पास इसमें सर्किट डायग्राम। देखिए सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम का मतलब होता है एक क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हिच आर कनेक्टेड बाय वायर की एमीटर वोल्टमीटर एटसेट्रा। सबसे पहले तो मैं आपको दो वर्ड जो मैंने बोले हैं वो बता देता हूं, एमीटर क्या है, एमीटर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, प्लस माइनस, इस तरह आप एमीटर को रिप्रेजेंट करोगे। एमीटर इज अ मीटर व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बताने के लिए जिस मीटर का यूज करते हैं, दैट इज एमीटर, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका हम आगे बात करेंगे, कि ये कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें सीरीज में जुड़ता है ये हमेशा। फिर आता है वोल्ट मीटर, नाम से पता चल गया होगा आपको, वोल्ट मीटर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इसे, इट इज यूज्ड फॉर, व्हिच इज यूज्ड फॉर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, और ये हमेशा पैरेलल जुड़ेगा हमारे पास, ये हमेशा पैरेलल जुड़ेगा हमारे पास, क्लियर। देन रेजिस्टेंस, एक वर्ड आता है हमारे पास रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, आपने देखा कि वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार,
कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ, लेकिन आगे वाले एटम का प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस का, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जो रुकावट पैदा होती है, मतलब प्रॉब्लम्स या प्रोहिबिशन या डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्टर्बेशन विच आर प्रोड्यूस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हम यहाँ जो रेजिस्टेंस है उसको हम बल्ब लेकर चलेंगे, उसे हम फैन लेकर चलेंगे, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है तो वो रेजिस्टेंस लेकर चलेंगे। अब फिर आता है सेल डायग्राम के अंदर कुछ और रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आप वायर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो इसके लिए है सबसे पहले सेल, सेल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यह आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटी लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी क्या है, बैटरी इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स, जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बैटरी बन जाते हैं। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ध्यान रहे प्लस माइनस के बीच में लाइन नहीं लगानी, माइनस वाला टर्मिनल जो है वो प्लस के साथ जुड़ेगा, ये आपने इस तरीके से देखा होगा, ये तीन सेल ले लिया आपने, एक वायर यहां है, दूसरी इसके साथ, तीसरी इसके साथ, और ये फ्री हो जाएगी, और यहां आप अपना कोई भी बल्ब जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाती है बैटरी, क्लियर। अब उसके बाद है बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये हार्ट शेप ऐसे बना सकते हो, ये बल्ब हो जाएगा आपका, ठीक। वोल्टमीटर एमीटर का मैंने बता ही दिया, उसके बाद है प्लग की, जो बटन होता है घर में, ठीक है, अगर वो ओपन है तो इस तरह से, और अगर वो क्लोज्ड है तो आप इसमें डॉट लगा दोगे, क्लोज का मतलब ये ऑन है और ये ऑफ, ठीक है, कि अगर ऑन ऑफ करना है तो ये ऑन और ये ऑफ का सिंबल रहेगा हमारे पास। फिर है वायर का जॉइंट शो करना है आपने, तो इस तरह एक वायर ये जा रही है, एक ये आ रही है, दोनों का जॉइंट, वायर क्रॉस करनी है तो इस तरह से ओवरलैपिंग ऑफ वायर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओम्स लॉ। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, अब तक जो कराया वो सब इंट्रोडक्शन था, अब जो है वो चैप्टर का मेन पार्ट शुरू होने जा रहा है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, देखिए जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1827 में, जर्मन साइंटिस्ट थे, नाम जिनका जॉर्ज साइमन ओम, ओम, इन्होंने एक रिलेशन दिया, इन्होंने क्या रिलेशन दिया, इन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए अगर आप उसमें करंट इंक्रीज करते हो तो उसकी वोल्टेज भी इंक्रीज होगी। मैं इसे ऐसे समझा देता हूं, करंट का मतलब क्या है, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और जितना ज्यादा चार्ज जाएगा उतना ज्यादा ही वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, एंड वर्क डन ऑन एनी चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो एक रिलेशन बनाया इन्होंने कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर एक चीज बढ़ती है अपनी वैल्यू में तो दूसरी उसके रिस्पेक्ट में अपने आप बढ़ेगी। जैसे I अगर दो है तो V मान लेते हैं चार है, जब I चार होगा तो V आठ हो जाएगा, I आठ होगा तो V 16, यानी कि रेशो जो रहेगा वो हमेशा ऊपर रेशो टू के अंदर, एक प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज होगा। तो V इज इक्वल टू आर आई लिखा उन्होंने, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, जब भी आप इक्वल लगाते हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और R क्या है, R क्या है, R है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अभी मैंने बताया, प्रॉब्लम्स या डिस्टर्बेंस विच इज प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस होती है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो यहां से R की वैल्यू क्या निकलेगी, V ओवर I, सही है।
सॉरी, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वी की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। आई की यूनिट एम्पियर। दोनों को कंजिस्ट फॉर्म में लिख दिया इन्होंने ओम, और ओम को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये पाई जैसा ही है लेकिन पाई में कुछ यूं आ जाता है, ओम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट्सएप में इमोजी होती है चंद्र वाला भूत जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, इमोजी होती है ना व्हाट्सएप में, एक चंद्र वाला भूत बनाते हैं इस तरीके से, तो ये वो चंद्र वाला भूत है, ठीक है। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब अगर कोई भी दो यूनिट्स या वैल्यूज या प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अगर आप एक तरफ आई ले लो और एक तरफ बी ले लो, ठीक है, आई की वैल्यू 2 थी तो इसकी 4 मान लेते हैं, इसकी 4 तो इसकी 8, इसकी 8 तो इसकी 16, और ग्राफ अगर बनाओगे आप तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा हमारे पास, क्लियर है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको दिया होगा एट 2 ओम कंडक्टर या 2 ओम रेजिस्टेंस, तो 2 के साथ अगर ये सिंबल लगा है तो इसका मतलब है कि ये आपको रेजिस्टेंस गिवन है, तो आपको क्या गिवन है? ये रेजिस्टेंस गिवन है, क्लियर। अब इसमें हम बात करें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन में आपको एक करके दिखा देता हूं। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इफ इट हैज पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी 25 वोल्ट, आर फाइंड करना है और करंट 5 एम्पियर। तो आर की वैल्यू क्या है आप यहां से निकाल लो, वी इज इक्वल टू आई आर या आर आई फ्रॉम ओम्स लॉ। तो आर क्या आ जाएगा? वी ओवर आई आ जाएगा हमारे पास। वी कितना है? 25 ओवर 5 यानी कि 5 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा हमारे पास, क्लियर है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन आपको दे दे, व्हाट विल बी द वोल्टेज इफ द आई इज 0.5 एम्पीयर विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो फॉर्मूला लगा दोगे V इज इक्वल टू आई आर, आई 0.5 है, R 10 है, तो 5 वोल्ट हो जाएगा हमारे पास वोल्टेज, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक रहेगा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड रहता है, क्लियर। तो अब अगर अपने बात करें कि जो रेजिस्टेंस है उसकी डिपेंडेंस किन फैक्टर पे रहेगी, तो सबसे पहले है लेंथ पे, लेंथ ऑफ द वायर। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि जितनी लंबी वायर होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में। सेकंड आएगा ऑन एरिया, कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि घर में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनके लिए पतली वायर यूज करते हैं, जबकि फ्रिज हीटर गीजर प्रेस एसी इनके लिए मोटी वायर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें करंट की खपत ज्यादा रहती है, वो बिजली ज्यादा खाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, इसलिए वो वायर मोटी लगाते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए और करंट आसानी से फ्लो हो जाए। तीसरा रहेगा नेचर ऑफ वायर, कि वायर किसकी है। अगर आप सिल्वर वायर यूज करते हो तो रेजिस्टेंस उसका बिल्कुल कम होगा, बहुत अच्छा करंट जाएगा, देन एल्यूमिनियम और देन कॉपर। तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा रहेगा, देन एल्यूमिनियम और देन सिल्वर की, सिल्वर की वायर जो है वो अच्छी रहेगी। तो आर बेसिकली किस पे डिपेंड है? एल पे। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर ए के, तो यहाँ कंबाइन कर देंगे तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल ओवर ए के हमारे पास में, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A,
प्रोपोर्शनल का अगर सिंबल हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगेगा ये, और ये जो कॉन्स्टेंट है इसे बोलते हैं रो। रो यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी आ जाएगा इसमें, इसे रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब इसकी यूनिट की बात करें तो रो किसके इक्वल हो जाएगा? आर ए ओवर एल के। आर की यूनिट ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर में, तो यूनिट क्या बन जाएगी? ओम इनटू मीटर रिप्रेजेंटेड बाय ओम एम, ओम मीटर से। क्लियर है? तो ये है डिपेंडेंस ऑफ आर ऑन द वेरियस फैक्टर लाइक लेंथ, लाइक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लाइक नेचर ऑफ वायर। अब नेचर ऑफ वायर में भी क्या रहेगा कि जो मेटल है या जो मेटलिक कंडक्टर है, मेटल जो है उनकी जो रो की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, और जबकि जो नॉन मेटल है या प्लास्टिक रबड़ जैसे हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा रहती है। लगभग जो रेंज है वो 10 की पावर 12 से 10^17 ओम मीटर के आसपास रहती है, ओम मीटर के आसपास। और जबकि मेटल की अगर बात करें तो वो 10^-8 से 10^-6 ओम मीटर तक रहेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो रो क्या है हमारे पास? रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी जिसको बोलते हैं। अब न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड कैसे रहेंगे, तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं, आपका एग्जांपल है एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 5, जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम गिवन है आपको। टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द वायर दिया हुआ है आपको 0.3 mm, आप इसे मीटर में बदल लीजिए, 0.3 × 10^-3 मीटर आ जाएगा, यानी कि 3 × 10^-4 मीटर इज द डेंसिटी ऑफ वायर, सॉरी डायमीटर ऑफ वायर, डेंसिटी नहीं सॉरी डायमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ वायर क्या आ जाएगा? हाफ हो जाएगा, बिकॉज रेडियस क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2। क्लियर? तो आपको इसकी रो फाइंड करनी है। तो रो का फॉर्मूला क्या था? आर ए ओवर एल, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये वायर है, ये क्या हुआ? सर्कल हुआ, तो सर्कल का एरिया क्या रहता है हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कल क्या रहेगा हमारे पास? पाई आर स्क्वायर, आर आपको गिवन है और एल हो जाएगा। आर कितना गिवन है? 1। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं। आर 1.5 × 10^-4 का स्क्वायर अपॉन में एल कितना गिवन है आपको? एल गिवन है, सॉरी आर था 26 और एल था 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास रो आ जाएगा 1.86 × 10^-6 ओम मीटर, ये हमारे पास रो आ जाएगा। क्लियर? अब इसी पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया है आपको। अगर क्वेश्चंस में डायमीटर वगैरह दे दे, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, तो डायमीटर का हाफ करके आप रेडियस निकालोगे एंड द रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर। एक वायर है जिसकी लेंथ गिवन है आपको एल, लेंथ ऑफ वायर एग्जाम्पल नंबर 6 है ये एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम। अब आपसे पूछा है कि इसी वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अगर आप लेंथ उसकी L by 2 कर दो और एरिया ट्वाइस कर दो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले R का फॉर्मूला लगाऊंगा, R1, R1 क्या होगा? रो L ओवर A। क्लियर? अब L की जगह L रखेंगे क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर L गिवन है, एरिया की जगह एरिया रखेंगे। R2 क्या रहेगा हमारे पास? रो L2 over A2। अब L2 कितना है? L by 2 और A2 कितना है? 2A। तो rho L over 4A आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है?
ये R1 की वैल्यू है तो R2 क्या हो जाएगा, R1 का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो रेशियो अगर ले लें R1 अपॉन R2 का तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4:1 यानी 4:1। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर विल बी द 1/4 ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, इस तरह आप फाइंड करोगे इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास था ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन बैरियर फैक्टर, रेजिस्टिविटी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।